पूरे भारत के लिए कालाधन है, जो एक स्वतंत्र आदमी जो देश की हित की बात और आवाज़ उठाता है, जो गलत काम का विरोध करता है, आप उसी को अरेस्ट कर रही है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार का मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार किसके हाथों बिकी हुई है, किन पैसे वालों के, किन जिहादियों के, किन के हाथ बिकी हुई है, जो एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के अरेस्ट कर रहे हैं। और जो कि 2018 का विषय, आज वो विषय उनको आज याद आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब जब किसी आप सांप की पूंछ पे पांव रखेंगे तब वो तिलमिलाएगा। तो ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस, जो मिली भगत है उनकी, उनको ऐसे मिर्ची लगी है कि अर्णब गोस्वामी ने उनको जो सच का सामना किया था, जो सच उन्होंने दिखा दिया, उसकी वजह से इनको हरासमेंट हुई, जो इन्होंने ऐसा गलत काम किया। और मैं समझता हूँ कि इनको इसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को भुगतना पड़ेगा, और अगर नहीं भुगतेगी तो करणी सेना उसका पुरजोर विरोध करेगी और इनको सही को सही और गलत को गलत साबित करने में अर्णब भाई का बिल्कुल समर्थन में करणी सेना रहेगी। आपको कहीं लगता है कि आज महाराष्ट्र सरकार वहाँ की पुलिस जाने अनजाने में माफिया से बड़ा बड़ा रोल निभा रही है? जाने अनजाने में नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, जानबूझकर काम कर रही है। वो जिस भी किसी पैसे वाले के हाथों में बिकी हुई है महाराष्ट्र सरकार, और जो भी ये महाराष्ट्र की पुलिस जो बिकी हुई है, क्या है आज देखिए, जो सच बोल रहे हैं आप उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आप यहीं विजय पथ का देख लीजिए, मेरे साथ जो हादसा हुआ, मेरे साथ दिल्ली पुलिस ने भी किया, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं। आज भी मैं अकेला चलता हूँ, और हर एक वो आदमी, हर एक हिंदुस्तानी जो देश हित की बात करेगा वो अर्णब भाई के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी के साथ जो अत्याचार हुआ है, कहीं ना कहीं शिवसेना ने, जो उनके फादर का इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा नाम, उसको धूमिल किया है। धूमिल किया, आप बोल रहे हैं कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे? मैं कहता हूँ वो उद्धव ठाकरे नहीं है, उद्धव ठीकरा हो चुका है। ये कोई उद्धव ठाकरे नहीं है। जो ठाकरे जो संबंध है, जो ठाकरे खून था, वो खत्म हो चुका है। वो पैसे वालों के हाथों बिक चुका है, वो जिहादियों के हाथों बिक चुका है, वो जो छोटे छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों के हाथों बिक चुका है। आज सच बोलने के लिए, जो सच का सच अगर किसी ने साबित कर दिया, तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रही है महाराष्ट्र सरकार। और करणी सेना पुरजोर विरोध करती है, और 24 घंटे के अंदर अगर अर्णब भाई को नहीं छोड़ा गया तो करणी सेना पूरे भारत के अंदर चक्का जाम करेगी, उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनके पुतले फूके जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जो गलत काम किया, उसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में, आने वाले उसमें भुगतना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि करणी सेना ने ये भी बोला है कि जो हमारी बेटियों के साथ बहुत जगह पे जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठ रहा है, आप पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ होगा उसका प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरे भारत की हमने कसम खाई है। पूरे भारत के अंदर कभी लव जिहाद का विषय आया तो करणी सेना सबसे पहले जाएगी। और इस बात को भी आज भारत में भी बहुत गुड़जोश उठाया था, लेकिन भाई हमारे दूसरे बड़े चैनल है, उन्होंने कवर किया है, लेकिन उस लेवल पे कवर नहीं किया जैसे हाथ रस्ते पर जा रहे। देखिए, जिसके जिसको पैसा मिल जाएगा वही अपने घर में घुस जाएगा। आप जो मेरे मीडिया के बंधु, अभी मैं आया हूँ, और आप हैं, या अर्णव भाई के चैनल है, आर भारत है, IBN 7 है, और भी एक 2-3 टठपूंजी है, जिनको मैं टठपूंजी चैनल कहूँगा, वो पैसे के दबाव में काम करते हैं। भारत आर भारत के लिए इन्होंने अब कोई सपोर्ट में नहीं आया। आप देखिए, NDTV और तक चैनल वाले हाथरस चले गए थे, क्या कोई इस बच्ची के यहाँ पे नहीं गया? आज निकिता तोमर याद है, लेकिन निकिता तोमर आज याद है, एक साक्षी तवर नारायणा, मैं खुद नारायणा का रहने वाला हूँ, एक धोलागुआ के अंदर आज से 4 साल पहले घटना हुई थी, जिसके अंदर एक जियादी ने सामने सीने पर गोली चलाई थी लड़की के, आज उसको कोई विषय नहीं उठा रहा है। ऐसा क्यों? दुर्व्यवहार जो ये कर रही है, जो दुष्टीकरण हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं वो आपने भी देखे हैं, जो परसों अभी सुदर्शन चैनल के बाद भाई सुरेश चौहान को जैसे उठा के लेके गए हैं, आप समझिए, एक महिला को महिला पुलिस नहीं उठा सकती दिल्ली के अंदर? पूरे भारत की जो राजधानी कहने वाली है दिल्ली के अंदर, उसके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है? कहाँ सोई हुई है दिल्ली की गवर्नमेंट और कहाँ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट? जैसे कि आप खुद दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं जी, करनी सेना हर देश के कुछ खास मुद्दों पे बहुत एक्टिव रहती है, देश के जी जागरूक रहती है जी, कहीं अगर मान के चलिए अगर महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की पुलिस अगर क्यों नहीं देखता, तो जो शिवसेना के और कांग्रेस की वहाँ पे मिली जुली सरकार है, तो हम दिल्ली में तो क्या यहाँ के MP और नेताओं को घेरा जाएगा? बिल्कुल, सड़क से संसद तक घेरा जाएगा और महाराष्ट्र भवन घेरा जाएगा। ये मैं सुबह 10 बजे मीडिया पे आके बोल चुका हूँ, और मेरा बयान ये खरा है, मैं करणी सेना के बैनर के नीचे श्री सूरजपाल अम्बू जी के नेतृत्व तो में ये घोषणा करता हूँ, अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर भाई अर्णव को नहीं छोड़ा तो सड़क से संसद तक और महाराष्ट्र भवन का घेराव करणी सेना पुरजोर तरीके से करेगी। लास्ट एक छोटा सा सवाल जी, आप करणी सेना देश के हित में कुछ और ऐसी संगठनें हैं जो देश के प्रति खड़ी हैं, क्या उनको भी इनवाइट करेंगे? देखिए, हमारा जो संगठन है करणी सेना, उसमें हर एक सनातनी का तहे दिल से स्वागत है। बस हमारा यही एक उद्देश्य है कि जो भी काम करे वो देश हित में होना चाहिए, देश की भलाई के लिए होना चाहिए, देश की रक्षा के लिए होना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जो देश की रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा वो हमारा विरोधी होगा।
और कहीं ना कहीं करनी सेना एसएसआर को जस्टिस दिलाने के लिए भी एसएसआर वाले के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है। देखिए लगता है कि अब जल्दी इसमें न्याय मिलने वाला है। न्याय मिलेगा, नहीं न्याय मिलेगा तो करनी सेना अपने दम पे न्याय लेके आएगी, चाहे हमें न्यायपालिका के साथ हाथापाई करनी पड़े, चाहे उनके साथ ईंट से ईंट बिरानी पड़े। एसएसआर के जितने भी वॉरियर हैं वो शांतिपूर्ण पूरे देश में धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग खड़े होने से उनमें नहीं है। देखिए हम तो करनी सेना श्री सूर्यपाल अम्बू जी के नेतृत्व में शुरू से ही देवन से ही एसएसआर के लिए खड़ी थी। 16 अगस्त को मैं बता दूं हमें ही इंडिया गेट पर यहीं से मैं खुद था, उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूर्यपाल अम्बू जी थे और भी हमारे दो करनी सेना के दो मित्र थे, हमारे अध्यक्ष थे श्री बादल तंवर जी। हमें अरेस्ट किया गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें 24 घंटे से ज्यादा कोई अरेस्ट करे हम तब मानते हैं कि अगर हम गलत है तो हम अरेस्ट अपनी शिनाख्त हम खुद कराएंगे, हम अपनी गिरफ्तारी खुद देंगे, लेकिन अगर हमने गलत नहीं किया तो हम ना गिरफ्तारी देंगे ना किसी को गिरफ्तार होने देंगे। वही बात मेरी 24 घंटे का अल्टीमेटम जो मैं बता रहा हूँ शुरू से ही आपको, अगर वो उनको रिहा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार का घेराव होगा और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र जो हमारी करनी सेना है वो महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र भवन भी घेरेगी।